तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा जिले के राजपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से, जहां कुष्टा के समीप एक युवक द्वारा गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है। घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। गोली पांव में घुटने के नीचे लगे होने की जानकारी मिली है, फिलहाल चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना पर रायपुर करचुलियान पुलिस अस्पताल पहुंची है। घटना में घायल प्रियांश पटेल निवासी मनगांव ने बताया कि तीन युवकों से उसका 60,000 रुपए के लेन देन का विवाद चल रहा था। उन्हीं युवकों द्वारा घात लगाकर आज देर रात उसे गोली मारी गई है। आरोपी फिलहाल फरार है, पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। चिकित्सकों ने भी इस बात का स्पष्ट नहीं किया है कि युवक के पांव में जो चोट लगी है वह गोली की है या फिर किसी अन्य चीज की। तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के राजपुर करचुलियान थाना क्षेत्र से, जहां कुष्टा के समीप एक युवक द्वारा तीन युवकों पर गोली मारे जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। कहाँ पे घटना हुई है, कैसे क्या हुआ? कुष्टा के आगे हुई है। कौन कैसे कहाँ जा रहे थे, क्या घटना कैसे हुई? सर मैं गांव जा रहा था अपने, मेरी आज यहाँ रीवा कोर्ट में पेशी थी। मैं यहाँ से जा रहा था तो एक राजेश विश्वकर्मा नाम का और अशोक पाड़े नाम के दो आदमी थे, और एक मुँह वादा हुआ था राहुल मिश्रा उसका नाम था सर। तो ये लोग मेरे को यहाँ जो रीवा बाईपास है यहाँ से सर ये मेरा पीछा किए। तो सर मैं गाड़ी लिया था सर, मैं गाड़ी रोक नहीं रहा था, तो ये लोग मेरे को पीछा करते हुए कुष्टा बाईपास था, मैं गाड़ी स्पीड में भगा रहा था, ये लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ाए हुए थे। तो जैसे मेरे आगे गाड़ी लगाते हैं तो मैं गाड़ी धीरे करके रोक दिया गाड़ी, जब मेरे पिस्टल लहरा के दिखाए तो मैं भी डर के मारा होकर रोक दिया। जैसे मैं रोक दिया तो ये मेरे को पीछे से लात मारता है राहुल नाम के लड़का, जैसे मेरे को लात मारा तो मैं गिर गया। तो वो पीछे से राजेश विश्वकर्मा जो था वो लोड किया हुआ था, ये लोग जो अशोक था अशोक बोला कि एक बार मारा था तेरे समझ में नहीं आया तो रिपोर्ट लिखाने गया है। तो फिर मेरे को रिपोर्ट लिखाने, मैं पिछली बार मेरे को मारे थे तो रिपोर्ट लिखाने गया था सर, अभी वो जो कोतवाली थाना है वहाँ मैं रिपोर्ट लिखा चुका हूँ एक बार इनके नाम पे। और अब ये बोले कि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू बार बार रिपोर्ट करा रहा है, तेरे को चाहिए लगता है अच्छे से, तो दोबारा फिर सर मेरे साथ वारदात की। ये कुष्टा के आगे की सर गोली गोली चला है। हाँ सर गोली चला है। कहाँ पे लगी गोली? गोली सर पैर में लगी। विवाद किस चीज़ को लेके आप लोग का? विवाद सर मेरा अभी एक डेढ़ साल पहले मैं उनके साथ रहता था, अभी एक साल पहले मैं, अभी मेरे को दो महीने छूटे हुए हैं सर जेल से। किस लिए जेल गए थे आप? ये मेरे ऊपर एक वो केस था 307 लगा दिया गया था सर, उसी केस के कारण मेरे को जेल भेज दिया गया था। तो मैं उसके पहले इसके पास राजेश जो था तो मेरे ये लोग काम करते थे, जो इसके साथ अशोक पाड़े रहता था वो काम करता था, अशोक पाड़े प्रॉपर्टी काम करते थे। इनकी ऑफिस थी सर कुष्टा में, कुष्टा मोड़ के पहले इनकी ऑफिस थी, वहीं ऑफिस में ये लोग काम करते थे। तो बोले कि राजेश मेरे को मिलवाया उनसे अशोक से। जिस मामले में आप 307 में गए थे तो जो 307 वाला जो केस था उनके रिलेटेड का है क्या, किसी परिवार परिवार के उनके दोस्त यार का है क्या जिन्होंने? नहीं 307 वाले सर ये पैसे का मैन था सर, मैं उनसे पैसा मांगा छूटने के बाद, देख सर मेरे को पैसे की जरूरत है भैया मेरे को पैसा दे दीजिए, पैसा देने से मना की। तो मैं अभी होकर थोड़ा बात किया कि भैया पैसा चाहिए मेरे को, जैसे पैसा मांगा तो एक बार मेरे को मारे, उसके बाद मैंने फिर से मांगना स्टार्ट कर दिया। तो फिर बोले कि तू रिपोर्ट करने जाएगा, फिर मेरे को मार दिए फिर से। कितना पैसा का ये लेके विवाद है सर? ये 60,000 का है। 60? हाँ 60,000। काहे का पैसा ये? उनके साथ में रहता था वो, हर महीने मेरे को 10 देने के लिए बोले थे 10,000 सैलरी बेसिस पे। हाँ सैलरी बेसिस पे। क्या काम कराते थे? काम कुछ नहीं सर, वहाँ बैठना रहता था उनके ऑफिस में, कोई नहीं रहता था तो मेरे को बैठना रहता था, उन लोगों को साइड में काम रहती है तो घूमते रहते। गोली किसने चलाया है? गोली राजेश ने मारी। इसी से विवाद था मेरे